आज खरगोन SDM सत्येंद्र सिंह ने अचानक सेगांव पहुंचकर प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को लेकर चिंता जताते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी तहसीलदार राकेश बर्डे और BMO डॉक्टर मनीषा मंडोई, डॉक्टर हरि सिंह जाटव, BPM ममता मुकाती से विशेष चर्चा की और उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित बढ़ने नहीं दिए जाए, इस पर कंट्रोल करें। अभी विकासखंड में 66 और सेगावा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52 हो चुकी है, जिसमें शासन प्रशासन और नगरवासी सभी परेशान हैं। SDM सिंह द्वारा इस मौके पर कंटेनमेंट क्षेत्र का भी निरीक्षण किया गया। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। राज, आपने आवश्यक बैठक किसको लेकर ली थी? राज भाई, ऐसे तो हम लोग प्रत्येक ब्लॉक में जा रहे हैं और अभी जितनी भी हमारी टीम लगी हुई है, MMU की टीम है, RRT की टीम है, जो फील्ड में काम कर रही है, तो उसका एक सामान्य रूटीन है हम लोगों का उसको देखना, और उसी के बारे में हम आज इस ब्लॉक में भी आए थे समीक्षा करने के लिए। अभी सेगावा की स्थिति पहले से बेटर हो गई है और भी हम लोग एक सप्ताह में बहुत अच्छी कंडीशन में पहुँच जाएंगे, और सेगावा के कंटेनमेंट जोन के रहवासियों को आपके माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि मुझे ये शिकायत मिल रही है कि रात में वो कंटेनमेंट जोन का उल्लंघन करते हैं और वहाँ से वो निकल के इधर उधर घूमते हैं। कृपया ऐसा ना करें, जो भी आपको समयावधि दी गई उस समयावधि में अपने घरों में ही रहें और घर के दूसरे असंक्रमित जो व्यक्ति हैं उनके संपर्क में भी नहीं रहें, और जो भी गर्म पानी पीना है, स्टीम लेना है, काढ़ा पीना है, और आपको दवाई नहीं है, काढ़ा नहीं है, तो आयुष विभाग से हम फ्री में आपको दिलवाएंगे, होम्योपैथ की मेडिसिन आपको फ्री में दिलवाएंगे। डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको जो आपने एंटीबायोटिक पहले भी हमने कंटेनमेंट जो में दे रखे हैं, तो कृपया जो शासन के निर्देश हैं उसको अनुशासन के साथ फॉलो करो, सभी हमें सेगांव वासियों से अनुरोध है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।